वेलकम बैक टू सुशील टेक। अगर आपने विंडो 10 से विंडो 11 अपग्रेड कर ली है और अब आपको मज़ा नहीं आ रहा है, आप उसको वापस विंडो 10 में स्विच करना चाहते हैं, वो भी बिना डाटा लॉस किए, तो मैं आपको तीन तरीके बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे अपनी विंडो 11 को वापस विंडो 10 में डाउनग्रेड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो तरीका है कि विंडो 11 में जब हम अपग्रेड करते हैं तो 10 दिन के अंदर वापस डाउनग्रेड करने की वो फैसिलिटी देता है। तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। पहले विंडो आइकॉन पर क्लिक करेंगे, सेटिंग पर जाएंगे, सेटिंग पर जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करके अपडेट एंड सिक्योरिटी पर जाएंगे, अपडेट एंड सिक्योरिटी के बाद रिकवरी पर क्लिक करेंगे। अब आप देख रहे हैं रिकवरी पर आपको तीन ऑप्शन मिल रहे हैं, रीसेट पीसी, गो बैक और रीस्टार्ट नाउ। तो आप ये देख रहे हैं गो बैक टू द प्रीवियस वर्जन ऑफ विंडो 10, इफ़ दिस वर्जन इज नॉट वर्किंग फॉर यू ट्राई गोइंग बैक टू एन अर्लियर वन। तो आप ये गो बैक का जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे, आपकी ये डाउनग्रेड शुरू हो जाएगी। ये आपसे क्वेश्चन करेगा कि आप इसको डाउनग्रेड को क्यों करना चाहते हैं, जो भी हो आपके मतलब रीज़न है वो आप रीज़न लिख दें और नेक्स्ट कर दें। अब आपको ऑप्शन आया चेक फॉर अपडेट्स, चेक फॉर अपडेट्स एंड नो थैंक्स। तो आप अभी जो डाउनग्रेड कर दें तो सिर्फ नो थैंक्स पे क्लिक करके और नेक्स्ट कर दें और आपकी पुरानी सेटिंग आ जाएगी। तो नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और गो बैक टू अर्लियर बिल्ड पर क्लिक कर देंगे। अब ये रीस्टार्ट करके आपकी मैसेज आ गया, रीस्टोरिंग योर प्रीवियस वर्जन ऑफ विंडोज। तो ये थोड़ी सी सेटिंग के बाद आपकी विंडो 11 से विंडो 10 में डाउनग्रेड हो जाएगी। तो अब मैं आपको वो तरीका बताने जा रहा हूँ जिसके अंदर गो बैक का ऑप्शन नहीं आता है। तो विंडो पर क्लिक करेंगे, सेटिंग्स पर जाएंगे, सेम स्क्रॉल डाउन करेंगे, अपडेट एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करेंगे, रिकवरी पर क्लिक करेंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर गो बैक टू प्रीवियस वर्जन ऑफ विंडो 10, यहाँ पर ये देख रहे हैं ये ग्रे हो गया, ये हाईलाइट नहीं हो रहा है। इसके लिए हमें थोड़ा सा नीचे जाना है, ये एडवांस स्टार्टअप जो है ये आप यहाँ से भी जा सकते हैं, और मैंने आपने कई वीडियो में पहले भी बताया हुआ है शिफ्ट के साथ अगर रीस्टार्ट करेंगे तो भी यहाँ पर आ जाता है। तो आप दोनों ऑप्शन से जा सकते हैं। तो अब इसके लिए अब हम रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे, ये आपको एडवांस ऑप्शन मिल जाएगा, उसमें जो तरीका मैं वो आपको बताता हूँ। अब ये रीस्टार्ट हो चुका है, अब ये एडवांस ऑप्शन में जाएगा। तो ये एडवांस ऑप्शन आ चुका है, इसमें आप ट्रबल शूट पर क्लिक करेंगे, ट्रबल शूट में क्लिक करने के बाद एडवांस ऑप्शन में जाएंगे। एडवांस ऑप्शन में जाने के बाद आप देखेंगे अनइंस्टॉल अपडेट, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ दो ऑप्शन नज़र आएंगे, अनइंस्टॉल लेटेस्ट क्वालिटी अपडेट और दूसरा ऑप्शन है अनइंस्टॉल लेटेस्ट फीचर अपडेट। आप अनइंस्टॉल लेटेस्ट फीचर अपडेट पर क्लिक करेंगे तो, और फिर यहाँ पर अनइंस्टॉल फीचर अपडेट पर क्लिक कर देंगे तो ये दूसरा ऑप्शन है जिसमें आपका विंडो 11 से विंडो 10 के अंदर अपग्रेड हो जाएगा, डाउनग्रेड हो जाएगा। यह आपका प्रोसेस शुरू हो चुका है, देखो ये मैसेज आ गया रीस्टोरिंग योर प्रीवियस वर्जन ऑफ विंडोज़। तो ये टाइम लगाता है, थोड़ा नहीं बहुत टाइम लगाता है, इसको टाइम लगने के बाद ये आपका विंडो 11 से विंडो 10 में डाउनग्रेड हो जाएगा। और अगर इफ़ एनी केसेस ये दोनों प्रोसेस काम ना करें तो तीसरा ऑप्शन बताता हूँ, उसमें आपका डेटा की आपको बैकअप लेनी पड़ेगी। तो उसके बाद तीसरा ऑप्शन है कि आप कोई भी वेब ब्राउज़र खोलेंगे, जैसे कि मैंने गूगल क्रोम खोल लिया है, और आप उसमें सर्च में टाइप करेंगे media मीडिया क्रिएशन CREATION TOOL। जब आप इसको एंटर करोगे तो आप सबसे पहले ही माइक्रोसॉफ्ट की विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें लिखा होगा डाउनलोड विंडो 10 डिस्क इमेज ISO फाइल। आप इसको क्लिक करेंगे, साइट ओपन हो जाएगी,
तो स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ जाएंगे। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं डाउनलोड टूल नाउ पर क्लिक करेंगे। जब ये टूल डाउनलोड हो जाएगा तो आप इससे एक विंडो 10 की ISO इमेज जनरेट कर लेंगे, जिससे आप पेन ड्राइव भी बना सकते हैं और DVD भी बना सकते हैं, या डायरेक्ट पेन ड्राइव में भी कॉपी कर सकते हैं। मैं दोनों ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ। इसको डाउनलोड हो जाने दो, ये डाउनलोड हो गया है। अब मैं इसको यहीं से रन करता हूँ। आप देख रहे हैं विंडो 10 सेटअप का ये मीडिया क्रिएशन टूल है, गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी। तो होने दो, जैसे भी होगा फास्ट फॉरवर्ड करके या जैसे भी, मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा दूंगा। ये लाइसेंस एग्रीमेंट आ गया है, इसको एक्सेप्ट करना कंपलसरी है। अब आप देख रहे हैं इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, अपग्रेड दिस PC नाउ, और दूसरा ऑप्शन है क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया USB फ्लैश ड्राइव DVD और ISO फाइल। तो आपको दूसरे पर क्लिक करना है, क्योंकि आप इसको अपग्रेड तो कर नहीं सकते, एरर आ जाएगी। नेक्स्ट करेंगे। अब आप इसमें अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, वर्जन विंडो 10 बाय डिफ़ॉल्ट है ही, 64-bit आर्किटेक्चर है इसका, क्योंकि जो भी आपका PC होगा ये उसके हिसाब से रिकमेंडेशन देगा और डाउनलोड करेगा। नेक्स्ट करेंगे। अब इसमें यहाँ पर दो ऑप्शन है, USB फ्लैश ड्राइव और ISO फाइल। अगर आपके अभी इमीडिएटली पेन ड्राइव है 8 GB की या उससे ऊपर की, तो USB फ्लैश ड्राइव पे क्लिक करेंगे और उसको नेक्स्ट कर देंगे, तो आपकी एक USB फ्लैश ड्राइव क्रिएट हो जाएगी। और सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप ISO फाइल पर क्लिक करें, क्योंकि ये ISO इमेज आपको फ्यूचर में भी काम आएगी, रूफूस से या और भी किसी सॉफ्टवेयर से आप इसको पेन ड्राइव बना सकते हैं। नेक्स्ट करके आप इसको जो भी लोकेशन है वहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। जब ये डाउनलोड हो जाएगी तो आप उससे नॉर्मली सेटअप चला सकते हैं। विंडो 10 की सेटअप कैसे होती है वो मेरे चैनल पर इसकी वीडियो ऑलरेडी है। विंडो 11 की विंडो 10 की सेटअप ऑलमोस्ट सेम है। तो आप, ये मेरा तीसरा ऑप्शन था जिससे आप अपने विंडो 11 को वापस डाउनग्रेड कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में टाइप कर देना, मैं आपको फटाफट से जवाब दे दूँगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, और मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।